जैसा कि कहा जा रहा है कि देश तरक्की के मार्ग पर है, विकास ही विकास सभी ओर हो रहा है, पर अभी भी देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लोग, जहां के ग्रामीण विकास कार्यों के लिए अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हां, छतरपुर में भी एक गांव ऐसा है जहां आज भी ग्रामीण रास्ता देख रहे हैं कि उनके यहाँ विकास कार्य हो। चलिए बताते हैं कि कौन सा गाँव है। नगरी ब्लॉक वनांचल क्षेत्र कसपुर पंचायत के आश्रित ग्राम बहालूपारा के ग्राम वासियों ने पुल की मांग को लेकर 15 वर्षों से नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटे और थक गए। लेकिन विधायक, सांसद, कलेक्टर तक बहालूपारा पहुंचे, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज भी ग्रामवासियों को लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ रहा है। इस गांव के बाद बारिश के बाद गांव की स्थिति एक टापू जैसी हो जाती है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बरसात के दिनों में बेहद मुश्किल हो जाती है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। वैसे ही रोज की दिनचर्या के लिए यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उस लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं से लेकर, बुजुर्ग से लेकर, जिसको भी ये गांव पार करके उस तरफ जाना हो तो उन्हें इस लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ता है, जहाँ की कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ये परेशानी सभी को बताई गई, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की इसको सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ये सड़क चलने फिरने लायक नहीं है, पुल नहीं होने से काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ का पुल गिरकर एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है, प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। कुल मिलाकर आज़ादी के 70 साल हो गए, लेकिन विकास की राह तक रहा है बहालूपारा। आपको क्या परेशानी हो रही है? हमारे गांव में परेशानी तो है, आ जाए की सुविधा ठीक नहीं है, क्योंकि बरसात के दिनों में यहां पर बहुत दिक्कत जाता है, क्योंकि हमारे यहां के बच्चे लोग और डिलीवरी परेड के समय बड़ा असुविधा होता है और आने जाने में, क्योंकि हमारे ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पर इतना रुकावट है, क्योंकि बरसात के दिनों में हमें बहुत दिक्कत जाता है, जिससे आने जाने में परेशानी होता है। अगले साल हमने यहाँ सोचकर गांव वाले लकड़ी का पुल बनाए, जिससे थोड़ा बहुत राहत होता है, और इस आशा से बनाए कि अगले साल भी सब लोग बोले कि इस साल इस वर्ष बन जाएगा पुल करके, और अभी तक के पुल नहीं बना है। सरकार कई बार आ करके नाप जोक करके ले गया है और अभी तक के पुल का निर्माण नहीं हुआ है। पहले तो बस पूरा आते तो उस दिन तो जाते नहीं हैं, लेकिन कई कोई बच्चे को उठा कर कनघोड़ी करके ले जाते थे, उस पार पार कर देते, उसके बाद जाते थे। लेकिन अभी लकड़ी की, जब से लकड़ी का पुल बना है तो उसी से गुजर करके जाते हैं उसको। हाँ, क्योंकि इस पुल मार्ग में कई बार दुर्घटना हो गया है, एक मृत्यु हो गया है। इसी गांव का झूला नदी, एक व्यक्ति जोहर लाल नेताम का मृत्यु हो गया है इस कैनाल पर, और कई प्रकार की घटनाएं भी हो चुका है। इस सुविधा को देखते हुए अभी तक के पुल का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि शासन को मांग करते करते कई आयदन हो गए, कई प्रकार के हो गए, लेकिन अभी तक के इसके बारे में कोई डिसीजन और निर्णय नहीं हुआ है, अभी तक के पुल का निर्माण नहीं हुआ। सॉरी, क्या परेशानी होती है? ये परेशानी ये है कि यहाँ का जनता है और आने जाने पर बहुत दिक्कत हो जाता है, और जिससे यहाँ की जनता जो है, बहालूपारा की जनता जो है, एक केनाल आया है सोंडूर केनाल, उसमें आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, कई दुर्घटना होता है। इसलिए यहाँ की जनता मिल करके ये एक लकड़ी का पुल बनाए हैं, जिससे आने जाने के लिए एक सुविधा है, उसमें भी दुर्घटना होता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर जाते हैं, उससे भी हमेशा दुर्घटना का समस्या बना रहता है, जिससे कि दुर्घटना। और सोंडूर केनाल में कई बार, मतलब यहाँ की जनता जो आवाजाही के लिए, यातायात के लिए, आने जाने के रास्ते के लिए कई बार, मतलब शासन प्रशासन को कहते गए, जानकारी देते गए, लेकिन आज तक ये पुल बना नहीं है। और सोंडूर नाली जो है, यहाँ से न्यूज़ इंडिया के संवाददाता मनीष सेन की खास रिपोर्ट।